बिग बॉस के घर में एक बार फिर इस एक्ट्रेस का फूटा इस कंटेस्टेंट पे गुस्सा, लगा दी जमकर लताड़ और कह गई ये बड़ी बात, जिसे सुनकर फैंस हो गए हैं हैरान। चलिए आज के इस वीडियो में आपको भी बताते हैं कि कौन है ये एक्ट्रेस, क्यों जमकर बरसी है इस कंटेस्टेंट पे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, बिग बॉस के घर में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कंटेस्टेंट कौन बाहर आ रहे हैं, कौन घर से बाहर जा रहे हैं, इसके बारे में लोग लगातार इस ट्रेंडिंग टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं। इसमें इसी बीच एक्स कंटेस्टेंट रही देवोलीना भट्टाचार्जी का आया है बड़ा बयान। साथ निभाना साथिया की ये एक्ट्रेस शालीन भानोड और टीना दत्ता पे निशाना लगाते हुए बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि जिस तरीके से शालीन भानोड डबल गेम खेल रहे हैं, देवोलीना की माने तो शालीन भानोड से बड़ा मास्टरमाइंड पूरे घर में कोई नहीं है। वो हर वक्त किसी न किसी लड़की के पीछे या फिर टीना दत्ता से झूठा प्यार करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सौंदर्य और श्रीजिता दे से उन्हीं की बुराई करते हैं। दूसरी तरफ सुम्बुल तौकीर खां को लेकर देवोलीना ने कह दिया कि सुम्बुल तौकीर खां की सिंपल सिटी के ही चलते लोग उनको आज उतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं जितना हेट मिल रहा है टीना दत्ता को। हालांकि टीना दत्ता एक वैम्प बन गई है, ये वाकई कहना है देवोलीना भट्टाचार्जी का। देवोलीना और टीना दत्ता एक अच्छी दोस्त भी रही हैं, लेकिन टीना के व्यवहार से देवोलीना अब बिल्कुल भी उनसे दोस्ती रखना नहीं चाहती हैं। यही वो रीज़न है जिसके चलते बिग बॉस के घर में रोती बिलबिलाती हुई नज़र आ रही हैं। उन्हें अब पता चल चुका है कि घर के बाहर टीना दत्ता की इमेज कितनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है और देवोलीना की माने तो ये नेगेटिव इमेज का रीज़न है सिर्फ और सिर्फ सुम्बुल तौकीर खान। जिस तरीके से सुम्बुल को उन्होंने टारगेट किया था, आज लोग लाखों की संख्या में सुम्बुल के सपोर्ट में उतर आए हैं और टीना को वैम्प और टीना को अभद्र भाषा का भी उपयोग किया जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या देवोलीना की इस बातों से इत्तेफाक रखते हो? क्या सचमुच घर में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड शालीन भानोड है? क्या सुम्बुल तौकीर खां के सिंपल सिटी के ही चलते टीना दत्ता को बार बार ट्रोल किया जा रहा है? बताइए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।